यहाँ पे देखो नीचे। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो नए डे नई एनर्जी में आपका स्वागत है। तो आपका भाई सचिन यादव दिल से स्वागत करता है। तो गाइस सॉरी चाहूँगा कि कुछ दिन या वीडियो आपका डेली नहीं आ पा रहा है, क्योंकि गाइस एग्जामिनेशन क्लोजर हो रहा है, तो प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। मतलब कि एग्जाम आपका पास आ रहा है तो आपका माइंड प्रेशर स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, मतलब कि आपका प्रिपरेशन लेवल से टाइम नहीं मिल पा रहा है गाइस। तो जनरली आज हमारा ट्रैक्टर ये खड़ा है, तो सोच रहे हैं इसकी थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें, जो कि एक दिन मैंने पिछले से कई सारे वीडियो में आपसे जिक्र किया था कि ये जालियाँ हैं किस लिए दिए गए, जो यहाँ पर ये जाली। अब इस जाली का काम क्या है अभी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। आज हम बात करेंगे इसके कूलिंग सिस्टम के बारे में कि ये कैसे कूल होता है गाइस, क्योंकि चलते चलते हीट अप हो जाता है और हीट अप एक्सट्रीम लेवल पे नहीं होना चाहिए। तो क्या इसमें इस जालियों में नहीं किस लिए लगती है और अंदर के कौन कौन से पार्ट्स लगे हैं, इसमें पानी क्यों डालते हैं, अभी तो कुछ चीज़ें करने के बाद। और मेरे पास एक छोटा सा कागज़ है, ऐसे इसको काट लिया हूँ और ये थोड़े थोड़े टुकड़े भी ले लिया हूँ। इन दोनों की मदद से कुछ दिखाऊंगा आपको। वीडियो में बने रहना, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके भाई को आपके प्यार की ज़रूरत है। इसका बोनट अभी ओपन करवा रहे हैं, या अब उठा। तो गाइस जनरली हम बात करेंगे ये क्यों होता है, और गाइस इतना सारा सिस्टम ये है, ये डब्बा क्यों है और ये डब्बा क्यों कलर फेंका है, क्या क्या बात करेंगे अभी बताते हैं। तो गाइस ये देखो, इसका ये है आपका रेडी वाटर और ये इसकी जालियाँ। गाइस इसमें बहुत सारे कचड़े घुस गए हैं मतलब, लेकिन गाइस यहाँ से हवा खींचता है और खींचता कौन है, यहाँ पे ये पंखियाँ लगी हैं। तो गाइस ये पंखियाँ लगी हैं ये मतलब, और ये यहाँ से हवा खींचकर इसमें फेंकती है इसके पूरे बॉडी पे। और इसके बॉडी में कहाँ है कि और बताता हूँ, ये जो गाइस इसकी दो जालियाँ हैं ना, इसके अंदर पानी रहता है। ये जो नालियाँ बनी ना, देखो इसको यहाँ पे ऐसे 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 नालियाँ ना, इसके अंदर पानी रहता है। और पानी कहाँ से डलाता है, इसके यहाँ से, जो कि गाइस देखो अभी खोल कर दिखाता हूँ। और पानी गाइस कूलेन भरा ताकि इसका जल्दी गर्म ना हो पानी, इसलिए इसमें कूलेन डाला गया है। कूलेन से पानी थोड़ा लेट गर्म होता है, उसकी वाटर स्पेसिफिक हीट बढ़ जाती है। और गाइस यहाँ से कूलेन जाता है, यहाँ पे बॉडी अटैच है ना, ये इसका पंप है। पंप मतलब जैसे कि इसमें से घूमता है, ऐसे पानी को प्रेशर देता है। तो पानी देखो गाइस इसमें भी रहता है पानी, यहाँ पर भी पानी, उसका पानी इसके चैम्बर में भी पानी घुसता है, जो इसके चैम्बर में वहाँ पे इसके बॉडी में होल रहते हैं। उस होल से कई सारे जगह इसकी नालियाँ पाइपिंग सिस्टम बनी है। इसकी पीठ के नीचे जगह रहती है तीनों, देखो ये तीनों का अलग अलग कैप है। तो उस पाइप में भी एक कूलिंग करती है, जबकि पिस्टन ऊपर नीचे करती तो गर्म हो जाती है, ताकि अब वो पानी है तो कूल करेगा। अब वो कूल करने के बाद पूरे बॉडी में कूल करता है, उसमें पाइप रहती है देखो भाई। तो वहाँ से सारा कूल करने के बाद फिर से यहाँ पर रिटर्न लेता है इसी जगह पर। देखो मेरी उंगली है दिखा रही होगी, तो यहाँ पे भी एक पाइप है और वही इधर आओ गाइस, यहाँ पे एक पाइप है, ये इसी अटैच है। तो ये यहाँ से फिर इसे अटैच है। तो ये सिस्टम है कि एक बार यहाँ से लेती है, फिर कूलिंग पूरा रिजर्वायर लेकर उसके बाद फिर यहाँ से रिटर्न कर देती है इस बॉक्स में से। मतलब आपका पानी का रिटर्निंग और अपकमिंग गोइंग बना रहता है यहाँ से, और जब यहाँ पे ओवर हो जाता है तो इस बॉक्स में से निकल जाता है यहाँ। और गाइस यहाँ से जो हरा रंग का मैं दिखा रहा हूँ ना, यहाँ से ऐसे ऐसे पाइप में से जब ओवरफ्लो रहेगा तो यहाँ से आकर यहाँ पे अटैच है इसकी पाइप ही, वो यहाँ से निकल जाता है। लेकिन इसमें से पानी ये पूरा भरा रहता है, ये पूरे चैम्बर में पानी इसमें जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, फिर आता है, ऐसे कई बार करता है। यहाँ पर देखो गाइस पानी कोल्ड यहाँ पर रहता है, जब कोल्ड रहेगा हॉट रहेगा तो यहाँ से आता है। जनरली इसमें पानी कम है बॉक्स में, जनरली यहाँ तक होना चाहिए गाइस। कुछ इस तरीके से ये कूल होता है। और ये तो कूल इसलिए होता है पानी से, लेकिन हम पानी ना डालें केवल पंखी है वो भी तो हवा दे सकती है। तो हम जानते हैं कि पंखियाँ जो होती है जैसा मौसम रहेगा वैसा हवा भी देंगी पंखियाँ। अगर गर्म हवा है गर्म मौसम में तो गर्म हवा फेंकेगी, ठंडा हवा है तो ठंडी। तो जब एक्सट्रीम लेवल गर्मी होती है तो पंखी तो और गर्म हवा फेंकेगी, इसलिए वो पानी का इसमें कूलिंग सिस्टम बनाते हैं। जैसे कूलर में नहीं जालियाँ में पानी जाते हैं तो एक सराउंडिंग क्रिएट करके पानी घिंचता है, उसी तरीके से ये जालियाँ भी घिंचती है। ये जालियाँ पर हवा बाहर से घिंचती है। अभी ऑन कराता हूँ तो बताऊँगा कैसे हवा घिंचती है बाहर से। ये देखो कागज़ के टुकड़े लिया ना, यहाँ पर ऐसे लूँगा तो ये टेम्परेरी ड्राइवर से स्टार्ट करा रहे हैं। स्टार्ट करो भाई, और इसके पंखियाँ देखना। और गाइस यहाँ पे देखो खींच रही है, सक्शन क्रिएट कर रहा है।
गाइस जनरली देखिए ना, ये पंखी आपका इधर हवा फेंक रही थी, जो ये लगा था, मैं लगाया था, बता रहा था हवा के फ्लो होने का डायरेक्शन। और यहाँ पे गाइस जो मैंने छोटे छोटे टुकड़े लिए थे, वो गाइस देखो यहाँ पे इसमें खींच रहे थे। ये इधर से आपका वैक्यूम मतलब सक्शन क्रिएट करके इधर लेता है और इधर फेंकता है, और जो पानी है गाइस वो थोड़ा कूल करने की कोशिश करती है। बस इसी प्रकार से ये कूल होता है। गाइस कपड़े से जाली साफ कर रहा है, जो कि बहुत बड़ा गलत काम कर रहा है। इसकी जो स्पोर्ट्स वाली पत्तियाँ होती है, ये मुड़ जाती है कपड़े से। बहुत बारीकी से करना पड़ता है, या प्रेशर से या पंखा से, कुछ इस प्रकार से ये साफ कर रहा है। हवा देकर कर सकते हैं, इसको छू कर नहीं, क्योंकि छूने से इसकी पत्तियाँ मुड़ जाती हैं। देखो यहाँ पे बहुत बहुत नाजुक होती है, समझे रोहित? खुला तो सफाई भी कर दी। आई होप गाइस मेरा आपको कूलिंग सिस्टम दिखाने का प्रोसेस थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और समझ और लाइक पसंद भी आया होगा। तो गाइस पसंद भी आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए गाइस ओके बाय एंड बी हैप्पी बाय।